बस देख के शीशा मत तोड़ देना। गाइस इसी के लिए देखो कुकर से आवाज आ रही थी, कुकर में क्या टाइम। गाइस मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत बेस्ट रहा इस शॉप पर। अरमान अब तो तुम ड्राइविंग सीख जाओगे जल्दी। सेंचुरी हैप्पी बर्थडे। अरे अरे हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस कैसे हो आप सभी लोग, आई होप आप सभी ठीक होंगे। गाइस तो गाइस आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग गाइस मेरे ब्रेकफास्ट से हो रही है और ब्रेकफास्ट में से ड्राई फ्रूट्स और एप्पल है गाइस। और आज का गाइस जो भी ब्लॉग रहेगा आज गाइस मेरे डाइट से रिलेटेड रहेगा क्योंकि आज मैं जाऊंगा मार्केट। कल से अपना बढ़िया वाला वर्कआउट रूटीन गाइस चालू करेंगे, तो कल से अपने डाइट फॉलो करेंगे, वर्कआउट भी रूटीन में रहेगा। दूसरी चीज ये, तो आज आपको लेके चलूंगा गाइस मार्केट और मैं अपनी डाइट में क्या क्या चीजें ऐड करता हूँ। अभी सिर्फ वेज में गाइस लूंगा, नॉनवेज भी खाऊंगा लेकिन नॉनवेज गाइस बहुत कम चलेगा मेरा। हफ्ते में एक दो बार चिकन रहेगा, एग वगैरह अपना 3-4 दिन लेंगे हफ्ते में। तो फिलहाल कर लेते अपना ब्रेकफास्ट। गाइस ब्रेकफास्ट तो कंप्लीट कर लिया, अब करवाएंगे अपने बालों की गाइस चंपी। 2-3 दिन से मेरे सर बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है गाइस, पता नहीं क्यों। तो रोशनी करेगी चंपी और चंपी बहुत अच्छे से करवाऊंगा। इस तेल भी गरम करवा लिया मैंने। रोशनी आओ फटाफट, चंपी आ गए। रोशनी जी आओ फटाफट। Many minutes later. गाइस फाइनली मैं तो अपनी चंपी अपनी करवा के नहा धो के रेडी हो गया और गाइस अब मैं मिलवाऊंगा अरमान से। ये देखो अरमान, इसका मूड अपसेट है और इसका स्टम देखो सही तो है। स्टम में क्या हो गया, स्टम में क्या हो गया? ये देख रहे हो गाइस स्टम टूट गया है इसका। ये कैसे टूटा, मैच खेल रहे थे गाइस, बॉलिंग हुई, स्टम भी टूट गया और ये जुगाड़ से डंडा इसके अंदर डाल के गाइस इसको एडजस्ट किया गया। तो कोई नहीं, नया लेके दे देंगे, टेंशन मत लो ठीक है। इसको टेपिंग कर लेंगे और फिर आराम से इसको नया जोड़ के दे देंगे। नहीं टेपिंग पहले करेंगे फिर उसके बाद। और नीचे देखो कुकर की आवाज आ रही है, कुछ खाना बन रहा है बढ़िया स्पेशल। मूड ऑफ है इसका, मूड ऑफ है गाइस। कोई नहीं नया लेके दे देंगे, उदास क्यों हो रहे हो। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर इसे देखिए रोबोट बन गया। डांस करो, करके दिखाओ, दिख नहीं रहे हो शर्मावत, दिखाओ तो ऐसे ऐसे करके दिखाओ। देखो ये रोबोट डांस कर रहा गाइस। इसी के लिए देखो कुकर से आवाज आ रही थी। आज बढ़िया वाली रोटी बन रही है गाइस, ये बथुए का आटा है गाइस, इसकी रोटी बनेगी आज। बढ़िया बना रहा रोशनी रोटी ठीक है। मैंने सोचा हंटर से चलेंगे लेकिन आज मैंने हंटर बाहर ही नहीं निकाली है तो। और देखो मोटो ब्लॉगिंग का हेलमेट भी निकाल लिया था। तो अब चलेंगे हम लोग अपनी एक्टिवा से, स्कूटी से चलेंगे ठीक है। तो चलो स्कूटी से चलते और मोटो ब्लॉगिंग हेलमेट लगा के जाएंगे, आज मजा आएगा। स्कूटी से मोटो ब्लॉगिंग करेंगे आज, अपनी स्कूटी से मोटो ब्लॉगिंग होगी। और इसका सेल्फ भी वर्क नहीं कर रहा गाइस, तो किक मारनी पड़ेगी। ये किक मारेगा, चालू हो गई स्कूटी अपनी, चलते हैं स्कूटी से। गाइस मोटो ब्लॉगिंग कैसा लग रहा कमेंट करके बताइएगा, बट मेरे को मज़ा आता है स्कूटी में, काफ़ी मज़ा आता है। ये स्कूटी गाइस मेरे पास 10 साल पुरानी स्कूटी है गाइस, हाँ 12 साल पुरानी स्कूटी है। चलते हैं गाइस यहाँ से डायरेक्टली सुपरमार्केट चल के अपना डाइट का सामान लेंगे, जो भी छोटा मोटा आइटम लेंगे। अभी तो ज़्यादातर वेज डाइट ही चल रही है अपनी, नॉनवेज वगैरह बिल्कुल भी बंद चल रहा है गाइस। वो बाइक कितनी गलत खड़ी है उसी के चक्कर में सब जाम लगा है गाइस। स्कूटी में पेट्रोल भी कम है, ये बंद ना हो जाए कहीं पे, डर लग रहा मेरे को। कह रहा निकल जाओ बट नहीं, ओवरटेक नहीं करेंगे स्कूटी पार्किंग पे, यहीं से अपना डाइट का सामान लेंगे। फाइनली अपने आ गए जो सुपरमार्केट में, हर अच्छी शॉप है यहाँ पे गाइस, सुपरमार्केट है तो सारा सामान यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा अपने को डाइट का। और ये देखो अरमान खो गया, जैसे एंट्री करी तो अरमान पता नहीं कहाँ चला गया। ये आ रहा, कहाँ घूम रहे हो? देखो टाइम नहीं है मेरे पास ज़्यादा, टाइम इसलिए नहीं है गाइस क्योंकि मेरे पास ज़्यादा, क्योंकि आज इंडिया साउथ अफ्रीका का मैच भी आएगा गाइस, तो काफ़ी खुशी हो रही है। तो चलो फिलहाल जल्दी फटाफट अपना डाइट का सामान देखते हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोग यहाँ से ले सकते हैं, क्या क्या नहीं। तो मैं सारी चीज़ें अवेलेबल है भैया की शॉप पे,
वीपी सुपरमार्केट है और देखो माय फिटनेस का पीनट बटर भी मिल रहा है, सबसे अच्छी बात यह है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या रेट पड़ता है, क्योंकि ये मेरे जिम में भी अवेलेबल है, मेरी हेल्प नहीं करवा रहा है। आ जाओ जल्दी, आर्यन बार बार नाम आ जाता है मेरे पर, और बल्कि इसका अरमान नाम है, आर्यन नाम आया था। पहली चीज सबसे पहले मूसली लेंगे गाइस, मूसली बेस्ट मिल जाएगा सपने को। ओट्स की भी वैरायटी काफ़ी है भैया के पास, ओट्स का भी ले सकते हो, यही वाले ओट्स लेंगे। दो ओट्स हो गए ना, और ये मूसली रख लो। सारी चीज़ें गाइस मैं बताऊंगा कि डाइट में कैसे प्री वर्कआउट मील पोस्ट वर्कआउट मील क्या लेंगे क्या नहीं, तो वो तो ब्लॉग्स में आपको देखने को मिल ही जाएंगे, वीडियो वगैरह जितने भी होंगे अपने। और आगे देखते हैं क्या क्या चीज़ है। और ये उठा लो ना, ये उठा लो, बस इसी को ले लो। अगर देसी डाइट का सामान है ना गाइस, तो देसी डाइट का सामान लेते हैं, चने हो गए, छोले हो गए, और राजमा, और मूंग तो है मेरे पास, मूंग की दाल तो है। चला पहले मेरे को दिखा दो थोड़ा भाई, खुले चने दिखा दो, बड़ा वाला और छोटा वाला, छोटा वाला दिखो, सही कौन सा है इसमें से? ये देसी होता है। हाँ तो देसी वाला दो। सफेद छोले भी गाइस ले रहा हूँ आधा किलो में, इन्हें भी ओके। पीनट्स निकाल दो भाई, पीनट्स भी गाइस ले लो, गुड फैट है ये। परफ्यूम वगैरह का शौक नहीं मेरे को इतना, ये अपनी शॉपिंग पे लगा है कि इसको कुछ मजेदार कोई चीज मिल जाए और फिर मेरे से डायरेक्टली ये कहेगा चाचू ये दिलवा दो। देखो अपनी जुगाड़ में लगा हुआ है ये, सरफ वगैरह घर का काम है, सरफ वगैरह मैं थोड़ी ना लेना है, मैं तो अपनी डाइट से सामान लेने आया हूँ गाइस। डाइट के साथ थोड़ा बहुत अपना खाना पीना भी चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं। न्यूट्री चॉइस बिस्किट लूंगा गाइस मैं, ये कभी कभी मेरे को भूख लगती है ना तो एक दो बिस्किट खा लेते हैं, और पापा के लिए बेनिफिट है, पापा के भी लिए। इसका छोटा पीस मिल गया न्यूट्री चॉइस का, ये ले लेंगे। ब्राउन ब्रेड मिल जाएगी, ब्राउन ब्रेड दे देना, ब्राउन ब्रेड भी मिल गई गाइस। अब यही ब्रेड आज से चालू हो जाएगी, आज से नहीं सॉरी कल से। ये गाइस ऊपर कुछ देख के आए, इनको कुछ पसंद आ गया क्या आ गया देखते हैं, वरना इसका मूड ऑफ हो जाएगा। स्टंप तो टूट ही चुका है इसका, दिखाओ क्या पसंद आया था तुम्हें, जल्दी दिखाओ बताओ। ये दोनों तो भैया की शॉप पे मेरे को सबसे बेस्ट चीज ये लगी, क्या कि मतलब यहाँ पे मतलब डाइट से रिलेटेड सामान सारी चीजें मिल रही, पीनट बटर भी अवेलेबल है गाइस, ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगी। आप अपना बस एड्रेस बता दो, नगेटा रोड पे गाइस, और आप नियर बोल सकते हैं फ्रंट ऑफ सेंट जेवियर्स स्कूल, सही बोला ना भैया, बस फ्रंट ऑफ सेंट जेवियर्स स्कूल है गाइस। तो क्या नाम बताया आपने, वीपी सुपर मार्केट से गाइस। तो मेरे को काफी अच्छा लगा यहाँ पे, काफी बढ़िया भैया ने पूरा मॉल टाइप का बना के रखा है, और पूरा मतलब सारा सामान अवेलेबल है यहाँ पे, ये चीज मेरे को काफी अच्छी लगी गाइस। तो चलो डाइट से रिलेटेड तो सारा सामान ले लिया, तो एक बार अगर मौका मिले तो भैया की शॉप पे विजिट जरूर करिएगा। भैया थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे दीजिएगा, अगर जो मेरे सब्सक्राइबर या जो भी जानने वाले लगा है तो आप लोग थोड़ा रिफ्रेंस दे दीजिएगा, तो जरूर आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलो आप फटाफट पैकिंग करवाते हैं और निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो रहा है। चलो बिलिंग करवा लेते हैं अपनी फटाफट। ये देखो ये क्या उठा रहा था इसलिए गाइस ये चीज़ उठाई होने से, ये देखो बॉक्स है कितना प्यारा था, क्या था इसमें एकदम ये चौक गया क्या ले लो एक ले लो, लेडीज आइटम उठा लिया। और देखो गाइस बेसमेंट से हम लोग यहाँ से नीचे हैं, और इतना सारा आइटम देखो यहाँ पे भी है, मतलब काफी बड़ी शॉप यार, हरदोई में मतलब उम्मीद नहीं करी थी मैंने इतनी बड़ी शॉप होगी, और सारा गिफ्ट से लेके बच्चों के लेके, ये देखिए काफी सारा आइटम है यार यहाँ पे। और ये देखो बाइक पे बैठ गया, आते चलाओ तो इसको, भैया चलेगी कैसे इसको चलवाओ, आज अरमान का सपना पूरा हो गया बाइक का। ये देखो इसमें म्यूजिक भी चल रहा है गाइस, मस्त है ना। ये देखो गाइस बैक भी आती है, ये बढ़िया यार, ये देखो मस्त इसने पार्किंग बना ली है, ये देखो ये मस्त घूम रहा है गाइस अपना, बैक लो फिर से, इसमें स्विच लगा हुआ गाइस बैक गियर और आगे के लिए, ये देखो बस देख के शीशा मत तोड़ देना।
टाइम गाइस मेरा यहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत बेस्ट रहा इस शॉप का गाइस, मेरे को काफी अच्छी सुपरमार्केट लगी है क्योंकि सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ पे, सारी चीजें, ये मेरे को काफी अच्छा लगा। जो लोग हरदोई से हो ना गाइस तो एक बार विजिट जरूर करिएगा वीपी सुपरमार्केट में गाइस, मजा ना आए तो पैसा वापस, वो वाला हाल है। विंटर का भी सामान सारा मिल जाएगा, और जिनको बच्चे प्यारे हो गाइस और बच्चों का प्यार प्यारा हो तो अपना गाड़ियां भी ले सकते हैं। ये यार बढ़िया सिस्टम है, ये देखिए ये मेरे को बढ़िया लगा यार, ये देखो इधर लाओ, अरमान अब तो तुम ड्राइविंग सीख जाओगे जल्दी। झूला भी मिल रहा छोटे बच्चों के लिए, ये देखिए इसको गाइस एक चीज और पसंद आ गई, ये देखो ये क्या चीज है, अच्छा ये बबल बबल निकलते हैं गाइस इसमें से, चलो ये भी ले लो ठीक है। अरमान का तो मजा आ गया यहाँ पे, मेरे बर्थडे में यहाँ पे कुछ लेने आऊंगा, बर्थडे पे आएगा ही लेने, शॉपिंग करने आएगा यहीं से और मेरी खोपड़ी खाएगा। डिस्काउंट भैया ने ऑलरेडी दे दिया है, गेट खोल दो मेरे लिए, फिर से आ जाएंगे अपने मोटो ब्लॉगिंग पे। और ये अपनी एक्टिवा चालू हो गई, चालू हो गई, बैठो अरमान जल्दी। फाइनली गाइस अपनी हो गई शॉपिंग, डाइट का सामान जितना भी वेजिटेरियन मेरे को लेना था तो ले लिया। ये बच्चे देखो गाइस कितने मस्त बैठे हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, देखो ये होता है गाइस जुनून। आज मेरे को भी गाइस लोग ऐसे देख रहे हैं ना क्योंकि मैं स्कूटी चला रहा हूँ और मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ बट मेरे को मज़ा आ रहा, मेरे को काफ़ी मज़ा आ रहा है स्कूटी पे। मैं और अरमान दोनों डर रहे थे गाइस के स्कूटी में पेट्रोल ख़त्म ना हो जाए, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ गाइस, फाइनली आ गए हैं अपने घर, घर नहीं महल। और ये स्कूटी पार्किंग, इसको कितनी जल्दी है क्योंकि इसका आइटम अंदर पड़ा है इसलिए। Many minutes later. Shabash! Century! Happy birthday! अरे अरे! Happy birthday, Virat sir! Shabash! शाबाश भाई शाबाश, मजा आ गया। तो गाइस फाइनली अपना खाना पीना तो कंप्लीट हो गया और मैच देख के भी मजा आ गया, आप सबको भी मजा आया होगा गाइस क्योंकि विराट सर के 100 भी कंप्लीट हो गए गाइस, तो काफी अच्छा लगा मेरे को आज, मजा आ गया मैच देख के। और शॉपिंग भी अपनी कंप्लीट हो गई, डाइट से रिलेटेड चीजें सारी चीजें ले ली गाइस। और गाइस एक मैसेज आप लोग को देना चाहता हूँ गाइस, आदमी कहते हैं कि डाइट जरूरी होती है, रेस्ट जरूरी होता है, वर्कआउट, तो तीनों चीजें गाइस जरूरी होती है, तीनों चीजें। आपको डाइट भी लेनी पड़ेगी, आपको रेस्ट भी करना पड़ेगा एंड आपको वर्कआउट भी अच्छा करना पड़ेगा गाइस, सिर्फ एक चीज रखने से काम नहीं चलेगा गाइस। तो ये मेरा आप लोग से मैसेज है गाइस के फिटनेस से लेकर थोड़ा ध्यान दीजिए गाइस। आप लोग को एक चीज और बताऊं, जो डाइट का जो भी सामान मैंने लिया है गाइस मैं खुद सारी मील गाइस तैयार भी करूंगा और मैं आप लोग को दिखाऊंगा अभी आगे ब्लॉग्स में गाइस। और हाँ जो लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा गाइस, बेल आइकन प्रेस करिएगा, अब मेरे छोटे छोटे शॉर्ट्स भी आपको मिलेंगे फिटनेस से रिलेटेड गाइस और डाइट से रिलेटेड गाइस, तो काफी हेल्प हो जाएगी आप लोग की। तो गाइस यही छोटा सा मैसेज आप लोग को देना था, तो प्लीज ध्यान रखिए आप भी, वर्कआउट अपना अच्छे से करिए, डाइट अच्छी से करिए, अपनी हेल्दी लाइफ बनाइए भी कंसीडर गाइस, थोड़ा बहुत ध्यान दीजिए, ज्यादा नहीं थोड़ा बहुत है। तो बस गाइस आज का मैसेज मेरा यही है, आज का व्लॉग गाइस यहीं पे एंड करूंगा गाइस। तो आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा गाइस, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले व्लॉग्स आपको कंटिन्यू मिलते रहे गाइस। तो तब तक के लिए ओके टाटा बाय, टेक केयर।